हमारे गुरु महाराज ने ये लिखा है कि हमारे यहाँ की साधना न तो कर्मयोग की साधना है, न भक्ति योग की साधना है, न ज्ञान योग की साधना है, न ध्यान योग की साधना है, ये अध्यात्म योग की साधना है। इसका ये अर्थ नहीं कि कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग का अर्थ नहीं है कुछ। उन सब साधनाओं को करने के बाद जो साधक आगे बढ़ता है वही अध्यात्म योग के साधक बनने के लायक होता है। अध्यात्म योग का साधक वही बन सकता है जो इन अवस्थाओं को पार कर चुका। तो हमारे यहाँ की साधना अध्यात्म योग की साधना है। अध्यात्म योग है क्या? अध्यात्म योग के अंदर हम अपने मन के मूवमेंट को वॉच करते हैं, देखते रहते हैं अपने अंदर। आंतरिक सत्संग है, इसीलिए मान लिया आंतरिक सत्संग। हमारे अंदर हजारों तरह के विचार रोज आते हैं, रोज जाते हैं, हजारों तरह की पुस्तकें रोज लिखी जा रही हैं। हमको उसका अध्ययन करना है और उसी के अंदर देखना है कि हम अभी हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। इस अध्यात्म योग की साधना में बिना गुरु के आदमी नहीं कुछ कर सकता है, क्योंकि अपना मन अपनी बुद्धि से ही तो हम लिख रहे हैं इस अपने अंदर की पुस्तक को, उसको पढ़ ही रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो चीज आ रही है, जो गंदगी हमारे अंदर आ रही है, जिसको हम देख रहे हैं, उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं? हमारी चीज हमसे साफ हो नहीं गई, यही पर गुरु की आवश्यकता होती है। और अध्यात्म योग में बिना गुरु का आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। गुरु महाराज ने कितना साफ शब्दों में लिखा है, कर्मयोग भक्ति योग ये सब योग में आप परमात्मा को लेकर चल सकते हैं। परमात्मा की शक्ति का रूप हरेक मूर्ति में हरेक जगह देख सकते हैं, लेकिन अध्यात्म योग में उस परमात्मा की शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकती। वहां पर गुरु की शक्ति की आवश्यकता होती है। गुरु महाराज ने लिखा है कि परमात्मा क्या है, जैसे सूर्य कोई कागज रखा हो, सूर्य का प्रकाश उस पर जीवन भर पड़ता रहे, कागज सड़ जाएगा लेकिन जल नहीं सकता। हमारे मन आनंद वैसे जल नहीं सकते। और गुरु उसी परमात्मा की शक्ति को, अगर उस सूर्य की शक्ति को एक आशाई शीशा के माध्यम से जब कागज के ऊपर दिया जाता है तभी वो कागज जलता है। तो गुरु का यही काम है, परमात्मा शक्ति तो सब जगह है, उसको अपने अंदर ले करके एक फोकस मार देता है। और हम लोग शिष्यों का काम है कि उस फोकस के अंदर में आ जाना, उस गुरु की शक्ति के बीच में आ जाना, तभी हमारे मन आवरण साफ हो सकते हैं, तभी हम अध्यात्म विद्या में आगे बढ़ सकते। बिना गुरु का कोई भी इस भव सागर को पार नहीं कर सकता है, यही आवश्यकता है गुरु की। अब हमारा क्या कर्तव्य है कि हम उस ठीक जहाँ पर गुरु का फोकस हो वहां पर आ जाए। हमारा सत्संग एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमको उस फोकस में बुलाती है कि आप इस समय इसी फोकस में आओ। सुबह शाम हम बैठते हैं तो क्या करते हैं, तो उस गुरु महाराज की शक्ति को लेकर उसकी फोकस को लेकर अपने मन आवरणों पर डालते हैं और उसे साफ करते हैं। इसी शक्ति के माध्यम से जब मेरा मन आवरण साफ होता है तो ईश्वर के जितने भी कर्म इस जगत में हो रहे हैं उसका ज्ञान होने लगता है। एक बहुत गूढ़ विषय हम आप लोगों को कहना चाहते हैं। भंडारे में कलकत्ता में हमें एक लेटर मिला, एक दूसरे जगह हमारे पास तो नहीं आया था, कि परमात्मा का ध्यान किया जाए। हमारे मन में बड़ी दुविधा उठी, आखिर में इनके अंदर में तो कोई बात होगी, तभी इन्होंने ऐसा लिखा है। मैंने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना की, प्रभु हमें बताइए क्या कारण है। एक डेढ़ महीने तक प्रार्थना करता रहा कि आखिर में ऐसी क्या सी बात हो गई है। गुरु महाराज ने एक जगह लिखा था कि जब अध्यात्म विद्या की कमी होने लग गई तो पहले के ऋषि मुनियों ने परमात्मा का रूप का एक लिंग बना दिया, एक चिन्ह बना दिया, जिसको शिवलिंग कहा गया। शिव मतलब कल्याणकारी लिंग, और उसकी पूजा होने लगी। तो क्या हमारे सत्संग में ऐसी अवस्था हो गई कि परमात्मा के रूप में हम ईश्वर को देने, क्या हम लोग इतने नीचे आ गए, हमारी अध्यात्म विद्या का ऐसी हो गई, क्या हमारे अंदर कोई गुरु नहीं रह गया। बड़े विचित्र रूप से हमें परेशानी होने लग गई। लेकिन एक बात है कि गुरु महाराज हमको इतना दिन हो गया, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि वो आकर के ध्यान न करवाते। ठीक मथुरा भंडारे के 10 दिन पहले गुरु महाराज सामने आए, मैंने ऐसा देखा कि एक महापुरुष यज्ञ करवा रहे हैं और उसमें दो उनके शिष्य बैठे हुए हैं। उन्होंने उन दोनों शिष्यों की दीक्षा दी, दीक्षा के बाद दोनों शिष्य उठ गए, महाराज जी भी उठ गए। ऐसा हमें ज्ञान हुआ कि जो इस बार अगर कोई गुरु है तो वही होगा जो अभी दो शिष्यों को दीक्षा दिया होगा। अब इसकी खोज हमारे मन में होने लगी, कौन गुरु है हमारे सत्संग में जिन्होंने दो शिष्यों से शिक्षा दी। हमारा सत्संग यहाँ भी है, फतेहगढ़ में भी है, बहुत जगह है। अब हम खोजने लगे कि कहाँ पर ऐसे गुरु है हमारे सत्संग में, दादा गुरु के
गुरु महाराज के लोग जो गुरु के रूप में बैठ सकते हैं। हमने अपने दो भाइयों को इसके लिए कहा कि आप पता लगाओ, इस बार मथुरा भंडारे पर जा रहे हो, देखो हेम भैया किसी दो आदमी को उपदेशक बनाते हैं कि नहीं बनाते। अगर वहां नहीं पता चले तो फिर तुम चले जाना फतेहगढ़, वहां पता लगाओ। तो पता लगाओ कौन ऐसे हमारे सत्संग में लोग हैं जो अभी दो शिष्यों को दीक्षा दी करके उपदेशक बनाए। बड़े भाग्य की बात है, जब मैं लौट के गया तो पता चले कि हमारे कुछ हेम भैया ही थे जिन्होंने दो को उपदेशक बनाया। तो अभी वर्तमान गुरु के रूप में हमारे हेम भैया, कि हम लोग उस प्रकाश के अंदर बैठना चाहते हैं, उस गुरु के प्रकाश के अंदर बैठना चाहते हैं। बीच में बहुत ही तक ऐसा चला, लेकिन अब ऐसा समय नहीं होगा, आप तो अपनी शक्ति से सबको प्रकाशित करना होगा। इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग तो गिर सकते हैं, हम उस शिवलिंग की तरह पूजा करने को आप कह रहे हैं हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज का सत्संग, जो संत समाज का सत्संग है जिसमें गुरु के प्रकाश से ही सब कुछ होने वाला है, केवल गुरु प्रकाश बोलने से नहीं होगा, उस शक्ति को लेके आपको चलना होगा, वो आपको सत्तर दृष्टि को देना होगा, और तभी हम सब भाई शांति से रह सकते हैं, इस समाज में रह सकते हैं। गुरु महाराज के, हमारे जो गुरु महाराज हैं उनकी साधना को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बोल रहे हैं कि गुरु महाराज का ध्यान करो, गुरु महाराज का ध्यान करो, लेकिन गुरु महाराज का ध्यान कौन गुरु महाराज है, हमें यही पता लगाना था, और गुरु महाराज हमारे ऐसी कृपा किए कि हमें पता नहीं लगा। इसलिए अब हमारा भैया से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान करवाना, जैसा हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को करवाया था। हम पहले गुरु महाराज का ध्यान नहीं करना चाहते थे, मैं तो अपने परमात्मा का ध्यान करता था, परमात्मा की इच्छा आती थी, उनका दर्शन होता था, सब कुछ होता था। गुरु महाराज के कहने पर नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल हमको इधर खींच लिया, जबरदस्ती खींच लिया। एक दिन भी बाकी नहीं रखा दो महीने तक कि जब वो हमारे स्वप्न में ना आकर के हमको ध्यान करवाते हो। ऐसे गुरु महाराज ने जब हम लोगों को ऐसी साधना दी, आज कोई भी ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज की उन वचनों को ना हमने समझा हो। तो इसमें हमारे भैया से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान करवा, लोगों को इधर उधर बताने नहीं, लोग इधर उधर परेशान नहीं हो। ऐसा कहकर इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज तो खैर हम सागर बंद करवा ही रहे हैं, लेकिन आप असल में लोगों पर कृपा करें, आप अपना क्या। एक बार और हम एक बात कर देना चाहते हैं कि जब हमें उपदेशक की शिक्षा दी गई तो उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, करीब 28-29 वर्ष की आयु होगी, तो बिल्कुल तो था ही, बातचीत भी करता था। जब आगे बैठा करके गुरु महाराज ने सब लोग आगे बैठाए हमको किया, तो हम ये सोचने लगे कि गुरु महाराज तो कहते हैं कि हम अपने गुरु महाराज और उनके गुरु महाराज और पूर्वजों को दिखाते हैं अपने शिष्यों को। तो जब आगे बैठाया गया तो हम तो यही सोचते रह गए कि हाँ गुरु महाराज कब दिखाएंगे लोगों, हम अपने पूर्वजों को कब देखेंगे। लेकिन जब ध्यान की खत्म होने लग गया तो हमारे कान में केवल एक आवाज है, सेवा कर। इसलिए उपदेशकों का सबसे बड़ा कर्तव्य है सेवा करने का। आज उपदेशक हम देख रहे हैं कि बन जाते हैं, सेवा देने का ही सोच लेते हैं, आराम उनको कहाँ मिलेगा, कैसे आराम से रह सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन हम कह देते हैं कि हमारे यहाँ के उपदेशक ऐसे ही होने चाहिए जो सेवा के भाव से रहे। हर जगह हम लोग को बैठाया जाता था अलग अलग, एक लाइन से नहीं कि जितने उपदेशक आके बैठ गए सब अलग अलग बैठते थे। गुरु महाराज का कहना था कि तुम अलग अलग बैठोगे तभी सेवा कर सकते हो, कहाँ पर क्या होगा उसका ज्ञान हो सकता है। लेकिन उनके कहने पर भी सेवा की भाव तो आई, तब हमने गुरु महाराज को एक पत्र लिखा। अब आप ये बताइए कि हमको आपने जो कहा है उपदेशक बोले तो हम क्या करेंगे, जो नए साधक आएंगे उनको तो आपकी क्रिया बता देंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, उनके प्रति क्या करना होगा, हमारे लिए क्या करना है। उस समय गुरु महाराज का कर्ता आने वाले थे, कहा कि हम जो आएंगे तो बता देंगे। आए हम भी सोचने लगे कि बता देंगे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उसके बाद वहां से लौटे तो सत्येंद्र भैया को कह दिए, मानी कवि को कहा जाता है बिहार, कि तुम जाके बता देना जगन्नाथ को कैसे साधन की जाए। आए हमसे कहे कि काका मालूम ना बाबा कैसे साधन करावे के चाहिए, मतलब कि आपको मालूम नहीं है कैसे साधन कराना चाहिए। हमने कहा कि देखिए सुने तो पढ़े हैं बहुत किताबें, लेकिन जब तक गुरु महाराज हमको नहीं कहेंगे कैसे कराना चाहिए तब तक हम कुछ नहीं करें। उन्होंने जाके गुरु महाराज से कह दिया, फिर उनका पत्र आ गया, तुम मथुरा में आ जाना। मथुरा पहुंचा, उन्होंने कहा कि देखो अकेले एक दिन दो दिन पहले बुला लिया था, अभी तक उस जमीन पर हम जाते हैं तो उसी मिट्टी को प्रणाम करते हैं जहाँ पर उन्होंने हमें ये कहा, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम हमको बैठा लेना, उसके बाद क्रिया बता देना, तुम जो क्रिया करते हो वही करते रहना। कितनी साफ सुथरी बात है ये, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम केवल हमको ख्याल करके वहां बैठा लेना और क्रिया बता देना, उसके बाद तुम अपना जो साधना करते हो अपनी साधना में लग जाना।
लेकिन ये एक बहुत पुरानी बात है, आज तक गुरु महाराज आते हैं साधना में, जब भी बैठ जाते हैं उनको आना है क्योंकि उनका वर्ड है और वो साधना करवाते हैं, हम नहीं साधना करवाते। और यही नियम हमारे सभी को मानना चाहिए। ये कितना सुंदर चीज है कि गुरु महाराज को याद करो, बैठ गए और वो करवा रहे हैं, आप यहाँ आप अपना जो करें तो कीजिए, आप अपने को देखिए हम कहाँ, आप अपनी अध्यात्म विद्या में जो करें कीजिए। लेकिन ऐसे होते होते जब देखता है मनुष्य, उनकी ऐसी कृपा होने लगती है, ऐसी कृपा होने लगती है कि सब काम वो करवा दे, बोलेगा आदमी आपसे हमसे करवाते हैं वो। अब कोई कहता कि आपको कर दिया हो गया, लेकिन हम तो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं किया, करने वाला कौन है। तो उससे होता क्या है कि उसका संस्कार अहंकार आपके ऊपर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं कि करने वाला कौन है। इसलिए हमारा सभी भाइयों से ये कहना है कि जब भी वो महाराज के ऊपर दीजिए, करने वाले वही है, हम कुछ नहीं करते। तो जहां भी अपने अंदर इसका अहंकार आया, कहे कि सर तो आप ही को देख रहा है, आप ही को कहेगा, और जरा भी अहंकार आया तो संस्कार आप पर बैठा। इसलिए हमारे उपदेशक भाइयों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर समय अपने को देखते रहिए, बहुत बड़ी परीक्षा होती रहती है हर समय उनके पास, उनको अपने अहंकार से बचना चाहिए। कहीं देखते हैं कि नहीं को मौका मिला देख देगा तो दिए, जिनको नहीं मिला वो बिगड़ गुस्सा हो, ये क्या बात, ऐसी सी बातें भी होती है। ये चीज हमारे सत्संग के अंदर जो आती है, अगर है तो हमको अपने अंदर देखना चाहिए। हम अध्यात्म विद्या के पुजारी, हम अध्यात्म विद्या के साधक है, हमको अपने अंदर देखना चाहिए कि हम क्या हैं, कैसे हैं। हमारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है, दस आदमी को प्रणाम कर रहे हैं तो हम बड़े आदमी हो गए, हम कुछ नहीं है, हैं तो गुरु महाराज सब वही कर रहे हैं। लेकिन जब तक उन पर हर समय उनको जब तक हम बैठा नहीं लेते हैं, तब तक हम इस चीज को नहीं समझ पा। इसलिए एक बात ऐसी बात थी कि हम ध्यान में बैठे, गुरु महाराज को बुलाए तो उस समय पंडित जी आ गए, पूज्य पंडित जी हमारे। हम सोच रहे कि रोज तो हम गुरु महाराज को बुलाते हैं, पंडित जी आसन पर आके बैठ गए, क्या बात है। ध्यान खत्म होने पर हम लोगों से पूछा, भाई यहाँ पर पूज्य पंडित जी का ध्यान कौन करते हैं। तो एक साथी नए आदमी आए थे, कहने पुराने ही थे लेकिन वहां आए थे, हम करते हैं। यहाँ पर तो गुरु महाराज की बड़ी बड़ी कृपा है। पंडित जी में और गुरु महाराज में कोई अंतर नहीं था, ये प्रतीत होता है इन दोनों में कोई अंतर नहीं था। इसी वजह इसी तरह से हमारे बड़े भैया हुए छोटे भैया, जो अंतर कुछ नहीं है, जो जिसकी साधना कर रहा है। फिर जब बाहर से लोग पूछे कि एक गुरु के बाद दूसरे गुरु आते हैं, उनके बाद दूसरे गुरु आते हैं, तो हम क्या गुरु कहते हैं लोग वर्तमान गुरु की पूजा करो, तो क्या हम गुरु बदलते रहे, ये बात नहीं है। आपका विश्वास जिस पर टिक गया वही आपके लिए गुरु, वर्तमान गुरु उसी के लिए है जो नए आए, जिनका विश्वास अभी तक गुरु पर नहीं हुआ है उनके लिए नए गुरु। इसलिए जो जिनका विश्वास जितने अपने गुरु पर हो गया है उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अंतर कुछ नहीं है। जैसे पंडित जी थे वैसे गुरु महाराज थे, वैसे ही और हमारे बड़े भैया वगैरह। आप पकड़िए तो एक पर पकड़िए, एक ही पर चलना होगा, पांच सात दस पर चलने से काम नहीं चलेगा, तो कहीं कुछ नहीं होगा। एक पर विश्वास करके चलिए, देखिए सब काम आपका शुरू, गुरु महाराज सब करते चले जाएंगे। ऐसे ही एक बार की बात थी कि हमारा एक दूसरा बार ब्रांच था शाहजहांपुर में कोई, तो वहाँ के गुरु महाराज आए, तो उनका भी नाम था रामचंद्र जी महाराज। पेपर में पढ़े तो हम सोचा कि चले भेंट कर ले उनसे। भेंट करने के लिए गए तो उनके शिष्य लोग कहे कि आपको आठ दिन पहले बात करना होगा उनके आचार्यों से, तब उनका दर्शन होगा। हम कहा कि हमको कोई मतलब नहीं, हम आए हैं अपने चाचा गुरु से मिलने, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं है कि हमें कोई असंतोष है अपने गुरु से। लोग ले गए वहाँ, बातचीत पूछने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है सुबह के सत्संग में तुम आ जाए। वहाँ गए बैठे तो हमारे मन में आ गया कि हमारे गुरु बड़े हैं कि ये बड़े हैं, क्या कि दोनों गुरु भाई थे। हम वही ध्यान करने लगे, देखे कौन बड़ा है, क्या देखते हैं कि दो पानी का टंकी है और नीचे से दोनों का कनेक्शन लगा हुआ है और दोनों का पानी का लेवल एक बैग मन में आया, कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो गुरु है उसमें अंतर कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो ये है वो है, उसका जो सोचना है वो गलत है, सबका पावर है। इसलिए जिन गुरु को के रूप में आप जिनको भी मान रहे हैं उनको मानते रहिए, लेकिन अभी वर्तमान में गुरु हमारे भैया हैं और इनको ये बात मानना होगा। और हमारा तो रिक्वेस्ट है कि जब भैया यहाँ पर रही हैं तो उन्हीं की कृपा एक प्रसाद रखी हुई है, गुरु महाराज का प्रसाद है, और अब आप ही कृपा करें, इस पर दया करें, जिसमें आप अपनी शक्ति शांति और आनंद में शक्ति को भरें, और हम सब भाइयों पर भी दया करें कि हम जिस तरह से यहाँ आए हैं हमारे अंदर जो इटर्नल पीस एंड हैप्पीनेस शांति और आनंद जो सब समय रहती है वो हमारे ऊपर भी बरसती रहे। बस इसी के साथ प्रार्थना है कि भैया आप इस प्रसाद